सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शेषगिरी सृष्टि, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु पंडित फ्रॉम हैदराबाद। सृष्टि एस्ट्रो एक्सप्रेस हिंदी देखने वाले सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको 2019 मेष राशि कैसा होगा, मेष राशि वालों को मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, सृष्टि एस्ट्रो एक्सप्रेस हिंदी अभी तक कोई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आज आपके कौन सा ग्रह मेष राशि को 2019 में अनुकूल है और कौन सा ग्रह प्रतिकूल है मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। कैसा होगा 2019 मेष राशि वालों को मैं आप पूरा विवरण से बताना चाह रहा हूँ। मेष राशि को इस साल गुरु अष्टम में, साल पूरा गुरु एट्थ हाउस में चल रहा है तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स होगा, और नाइन्थ हाउस में शनि महाराज ये साल पूरा चलता रहेगा। शनि महाराज अनुकूल ज़्यादा है और गुरु का प्रतिकूल है ज़्यादा, तो क्या होगा, थोड़ा आकस्मिक धन नष्ट होने का सूचन ज़्यादा दिख रहे हैं मेष राशि वालों को 2019 में, और जिसे हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी आने का संभावना ये मेष राशि वालों को ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हेल्थ का अच्छा टेक केयर कीजिए, हेल्थ का केयर कीजिए, चेकअप्स कर लिए, हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली। और जो विद्यार्थी जो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को भी जो हायर एजुकेशन में है वो लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं मेष राशि वाले, इस साल में शादी होने का चांसेस बहुत बहुत कम दिख रहे हैं। ये लोगों को एक अच्छा शादी का ऑफर्स आएगा 2019 मार्च से अप्रैल में तक, तीन महीने में थोड़ा शादी होने का अनुकूल दिख रहा है। और जो मेष राशि वाले घर बनाना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, वो लोगों को भी अनुकूलता बहुत बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु का वीकनेस है, एट्थ हाउस में गुरु वीक हो गया, तो इसके लिए आप बहुत मेहनत करना पड़ेगी घर बनाने या खरीदने में। और जिसको फॉरेन चांस के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा अनुकूल ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि दशम में बैठे सो केतु थोड़ा अनुकूल दिख रहे हैं। और जो जॉब में है वो लोगों को ज़्यादा ट्रांसफर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, ट्रांसफर्स एंड चेंज ऑफ जॉब में ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं इस साल में। और जो फाइनल जो बिजनेस में है मेष राशि वाले, वो लोगों को अनुकूलत कम है, प्रतिकूलत ज़्यादा है, क्योंकि दशम में बैठा सो केतु इस साल पूरा वो लोगों को बहुत डल सामान्य बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट्स बहुत कम मिलेंगे, चलता रहेगा उसका व्यक्तिगत देख के बोल सकते हैं। और इस साल मेष राशि में जो भी पॉलिटिशियंस है वो लोगों को, जो भी पॉलिटिक्स में अभी इलेक्शंस में लड़ रहे हैं वो लोगों को भी बहुत मेहनत से मुश्किल से चुनाव जीतेंगे, और उसके पर्सनल जातक देख के मैं बोल सकता हूँ, ये तो 50% आप ले सकते हैं, बहुत मुश्किल से चुनौती में जीत सकते हैं। और जो भी नया कार्यक्रम शुरू करना चाह रहे हैं उसको भी इस साल बहुत मेहनत से वो काम आगे बढ़ेगा। आपके जो भी नया काम शुरू हो रहे वो काम आगे बढ़ने के लिए बहुत आप मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। तो यह है दोस्तों मेष राशि 2019 के मेरे एनालाइजेशन। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके व्यक्तिगत जातक के लिए मेरा ये फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, इसको व्हाट्सअप भी है। मेरा फीस केवल 5 क्वेश्चंस के लिए 500 रुपीज़, कंप्लीट हॉरोस्कोप इन रिटर्न 1000 रुपीज़, और इंडिया में 1000 रुपीज़, अदर देन इंडिया फॉरेन स्टेट्स के लिए मेरा फीस 2000 रुपीज़। दोस्तों नमस्ते।